अब रक्षाबंधन का एक भजन के द्वारा अर्थ समझ लो। टुंके में रक्षा में र आता है, रक्षा कर अपने हृदय कोश की साधक, अपने हृदय कोश की मति की रक्षा कर जो अविवेक के द्वारा मन की गुलाम न हो और मन इंद्रियों का दास न हो और नीच योनियों में न ले जाए, इसलिए रक्षा कर। और उसकी जगह पर सम संतोष शुचित्व अपने स्वभाव में भर दे निष्काम कर। रा का अर्थ, क्ष का अर्थ है कि क्षमा प्रेम उदारता पर दुख का एहसास। सार्थक जीवन है वही रखे न कोई आस। रा क्ष ब का अर्थ है बंधन मोक्ष से है परे, जन्म कर्म से दूर व्यापक सर्व में रम रहा वह नूरों का नूर जो साक्षी स्वरूप है। बंधन मोक्ष से है परे, आत्मा को न बंधन होता है न मुक्ति होती है, वह मेरा चैतन्य आत्मा शुद्ध है, ऐसा ख्याल रखा करो। तो उस शुद्ध को पाने के लिए बंधन वाले कर्मों से बचे, और कर्मों में ये जो तीन दोष है वे निकाल दे, तो आपके कर्म निष्कर्म सिद्धि ले आएंगे। बंधन मोक्ष से है परे, जन्म कर्म से दूर व्यापक सर्व में रम रहा वह नूरों का नूर। मेरा आत्मा तो अनेक आत्मा हो गया कि नहीं, लाखों लाखों घड़े रखो और लाखों लाखों चांद दिखेंगे, मेरा चांद मेरा चांद मेरा चांद तो कहोगे, लेकिन मेरा मेरा बोलने के गहराई में देखो तो सभी का वो अपना आपा है। लाख परमात्मा करोड़ परमात्मा नहीं, एक है, लेकिन अंतःकरण विच्छिन्न चैतन्य में वो एक का एक मैं तू यह वह होकर भासता है, लेकिन है वही का वही जिसकी सत्ता से मैं स्फुरित होता है, उसी की सत्ता से यह दिखता है, उसी की सत्ता से तू और वह बोला जाता है। रक्षा ब ध आता है, धर्म दया और दान संग जीवन में हो उमंग। अपने जीवन में धर्म दया दान और उमंग हो, धर्म दया और दान संग जीवन में हो उमंग, प्रभु प्रेम की प्यास हो लगे नाम का रंग। ये ध शब्द का श्रद्धा और विश्वास की मन में हो तीव्र तरंग, रोम रोम में रम रहा फिर भी रहे निसंग उसकी याद। ना का अर्थ है नब जल थल में है वही सर्व में हरि का वास, नूरे नजर से देख ले वही दिव्य प्रकाश। लाली लहू में लोई खून में जो लाली है किसकी सत्ता से बनती, तुम्हारे सब्जी रोटी से लाली कौन बनाता है, किसकी सत्ता से लाली बनती है। लाली लहू में है वही कण कण में है निवास, खोज ले मन मंदिर में उसे जो सदा है तेरे पास। न का अर्थ है नभ जल में है वही सर्व में हरि का वास, नभ जल में है वही सर्व में हरि का वास। तो रक्षा बंधन शब्द, इस शब्द को भजन के तर्ज के द्वारा समझ लिया। सर्व रोग उपशमनम सर्व शुभा विनाशनम सुकृत कृतो नाम बंधम एक ये न रक्षा कृपा तवेत। भविष्य पुराण में आया इस पर्व पर धारण किए हुए रक्षा सूत्र संपूर्ण रोगों और अशुभों कार्यों का विनाश करता है। इसे वर्ष में एक बार धारण करने से वर्ष भर मनुष्य रक्षित हो जाता है, अर्थात मेरे अशुभों का नाश हो और शुभ संकल्प शुभ बना रहे,
श्री कृष्ण के चरणों में युधिष्ठिर ने प्रणाम किया कि आप रक्षाबंधन का महत्व मुझे बताएं। श्री कृष्ण ने उसकी व्याख्या करते हुए इंद्र और इंद्राणी की कथा सुना दी कि दैत्यों से युद्ध करते करते इंद्र थक गए, परास्त से हो रहे थे। अपने गुरु बृहस्पति को कहा कि मैं दैत्यों के सामने टिक नहीं सकता हूं, ऐसी परिस्थिति है, और मैं पलायन करना भी नहीं चाहता हूं गुरु जी, और विजय भी मेरे से बहुत दूर है, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। गुरु ने कहा कि इंद्र, संकल्प में बड़ी शक्ति है, कोई हितेशी संकल्प करके तुम्हारी रक्षा का तुम्हारे हाथ में सूत्र बांधे, तुम सुरक्षित हो जाओगे। इंद्राणी ने सुना, होशे होशे इंद्राणी ने अपना संकल्प भरा उस धागे में, आ इंद्रदेव आपकी रक्षा हो, आप विजयी हो, जब तक मेरा धागा बंधा रहेगा अशुभ से आपकी रक्षा होगी और आप कर्म में सफलता पाएंगे। वो रक्षा बंधा कर फिर गए तो इंद्र के हाथ में बंधा हुआ शची का रक्षा सूत्र इंद्राणी का ऐसा प्रभाव लाया, ऐसा रंग लाया, संकल्प लाया कि इंद्र अब गए तो ओज बल और संकल्प से सुसंपन्न इंद्र को देखकर शत्रुओं का मनोबल दबने लगा। इंद्र के मनोबल बुद्धि बल में संकल्प का संचार हुआ और देखते ही देखते असुरों की सेना को मुंह की खानी पड़ी और इंद्र विजयी हो गए। जरा सा धागा मन गिरता है, पड़ोस की बहन को देखकर विकार की नजर से देखता है पड़ोस के भाई को। अब देख रहे हैं कि पड़ोस की बहन पड़ोस के भाई में विकारी बुद्धि हो रही है। रक्षा बंधन का दिन आया, छोटा सा धागा उठाया बहन ने और पड़ोस के भाई को कहा कि आज से तू मेरा भैया और ललाट पर किया तिलक, अर्थात तेरा विवेक तीव्र हो। जय राम जी की। विवेक कमजोर होने के कारण हम काम में गिरते हैं, भैया का विवेक तीव्र हो, मेरा भैया त्रिलोचन हो। सगी बहन भी अपने भाई के ललाट पर तिलक करती कि मेरा भैया का निर्मल विवेक जगे, वो साधारण जीव दो आंखों से देखने वाले प्राणी जैसा होकर मेरा भैया संसार में खप न जाए, मेरे भैया का तीसरा विवेक का नेत्र जगा रहे। बहन तिलक करती है, अक्षत लगाती है, अक्षय तुम्हारी सूझबूझ और अक्षय तुम्हारा ज्ञान और शांति बना रहे। फिर भैया के हाथ में वो पतला सा धागा बांधती, मेरे भैया की विकारों से पतनों से सुरक्षा रहे, और भाई भी उर्ण होने के लिए कृतज्ञता के लिए बहन का ध्यान रखता है कि बहन ने मेरे लिए रक्षा सूत्र बांधा है तो वर्ष भर इस बहन की रक्षा करना, नहीं जीवन भर बहन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य हो जाता। अब मेरे गुरुदेव को उनके शिष्य ने रक्षा बांधी कि बहन तो भाई के ऐहिक रक्षा करने का संकल्प करती और भाई बहन की ऐहिक रक्षा करने का जिम्मेदारी ले सकता है, लेकिन गुरु ऐहिक रक्षण तो कहीं भी कर लेता है, विकारों से और 84 लाख जन्मों से हमारा रक्षण हो, और आपका भी रोग शोक मोह आदि आदि जो भी आपके देवी कार्य में विघ्न आते उनसे आपका भी रक्षण हो, इस भाव से भरकर गुरु शिष्य को, शिष्य गुरु को एक दूसरे को शुभ संकल्पों से पुष्ट करते। अब आप एक एक आकर मेरे को राखड़ी बांधो ये संभव नहीं, और मैं एक एक को कहता रहूं ये संभव नहीं, तो आपके तरफ से ब्राह्मण देवता मंत्र उच्चारण करके राखड़ी बांधेंगे। आप भावना करो कि ब्राह्मण के निमित्त हम ही राखड़ी बांध रहे। नारायण मन से आप राखड़ी ले आओ और क्रिया से ब्राह्मण की राखड़ी में अपना मन लगा दो तो आपको राखड़ी बांधने का संतोष और पुण्य हो जाएगा। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम अद्य परम शुभ दिवसे रक्षाबंधन पूर्णिमा दिवस शुभ दिवसोपरि अस्माकं सद्गुरु भगवंतस्य
पूर्ण स्वस्थता, पूर्ण आयुष्य, आरोग्यता इत्यादि कामाति निमित्तं वयं सर्वे साधका द्वारा सद्गुरु भगवन्तस्य पूर्ण पूजन पूर्वक ये रक्षाबंधन कर्मं वैदिक रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बंधन कार्यं करिष्ये। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमी, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सनातन संस्कृति परंपरा अनुसारेण मंगल कलश सहित मंगल दीपक तथा घंटा इत्यादि पूजन सहित यह वैदिक रक्षाबंधन कार्यम करिष्ये। ओम कांडात कांडात प्ररोहंति पुरुकस्परि एवानु दुर्वे प्रतनुस्ते सहस्रेण शतेन च। ओम येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां रक्षवन्नामि रक्षेमाचलमाचल। आप रक्षा बांधने का मजा ले लो, पुण्य ले लो। ये आप ही की है ऐसा समझो। भावो ही विद्यते देवो न लोष्टे काष्टे पाषाणे च। भाव में इतना बल है कि लोहे पत्थर और लकड़े में भगवान को पैदा कर सकता है। क्रिया से भाव का महत्व ज्यादा है। क्रिया युक्त भगवान की पूजा से भी भाव युक्त पूजा, शोर शो उपचार की पूजा से भी मानसिक पूजा का प्रभाव अनंत गुना माना गया। यह अपने मानसिक रक्षाबंधन। तत्पश्चात रक्षण कार्य निमित्त विशेषार्घ्यम अर्पयामि। गुरु जी को कुछ न कुछ अर्पण कर रहे हैं, भैया को खिलाते न देते। ओम रक्ष रक्ष गुरुदेव रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयम कर्ता त्राता भगवान वरदत्वं वरम देहि वांछितं वांछितार्थद अनेन सफलार्गेण फल दोस्तु सदा मम। तत्पश्चात दीपक दानम करिष्ये। ओम सत्यम च वर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम मया दीपम ग्रहण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहम। हमारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो गुरुवर की करुणा, इसलिए हम गुरु जी को दीपक दिखा रहे हैं कि हमें अंदर विवेक का प्रकाश मिले। ऐसा रक्षाबंधन तो भाई मेरे बाप ने भी नहीं किया था, तुम्हारे बाप ने भी नहीं किया, तुम्हारी बहन ने भी नहीं किया था, तुम्हारी माँ ने भी नहीं किया था। आज ऐसा हो गया। ये कैसा है जादू, ये कैसा है जादू समझ में आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। Yeah.